फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे केले के कोफ्ते। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आपको ये बेहद पसंद आएंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलते हैं किचन में, दिखाएंगे इस रेसिपी के लिए हमें किन किन सामानों की जरूरत है। कच्चे केले के कोफ्ते बनाने के लिए पहले हमें चाहिए आधी किलो कच्चे केले, जिन्हें हमने बॉईल कर लिया है कुकर में डाल के। इसे हमने छिलके सहित ही कुकर के अंदर डाला था और 2 से 3 सीटी लगने तक इन्हें पका लिया है, तो ये पक चुके हैं, बॉईल हो चुके हैं। बेसन, 4 बड़े साइज के टमाटर, उनमें 2 हरी मिर्च काट के हमने बारीक पेस्ट बना लिया है, टमाटर का प्योरी तैयार कर ली है। 3 बड़े साइज की प्याज, इन्हें रफली काटा है। अदरक, इन्हें भी हमने रफली बड़े बड़े पीसेस में काटा है। 8 से 9 लहसुन की कली हैं। 2 हरी मिर्च, इन्हें बहुत बारीक काटा है मैंने। ऑयल, रिफाइन ऑयल का यूज किया है। धनिया पत्ती, कुछ खड़े मसाले हैं, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साथ में तेज पत्ता और लाल साबुत मिर्च। इसके साथ हमारे जो मसाले हैं वो हैं हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जीरा, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और हींग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोफ्ते बनाना। तो स्टार्ट करते हैं कोफ्ते के लिए हमने लिया है बाउल और इसमें डालेंगे जो हमने बॉईल करे हुए केले हैं। ये बहुत इजीली छिल जाते हैं, इनके छिलके हट जाएंगे क्योंकि बॉईल हो चुके हैं, तो इन्हें हम छील लेंगे। इस तरह हम अपने सारे केलों को छील के इस बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो जो ये हमारे कच्चे केले हैं, इसे आप चाहें तो कद्दूकस से भी कद्दूकस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको हाथ के साथ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत इजीली मैश हो जाते हैं, तो इसको आप मैश कर लीजिए। जैसे कि मैं केले मैश हो गए, तो हमने कुछ प्याजे ली हैं उसी के अंदर से जो हमने पीसने के लिए रफली चॉप करी थी, तो मैं इन प्याजों को इसके अंदर बहुत बारीक तरीके से काट दूंगी। आप चाहें तो ज्यादा प्याज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही थोड़ी लूंगी। और ये ध्यान रखिए, पर काटिएगा बहुत ही बारीक। तो ये हमने इसके अंदर अपनी प्याज काट दी। तो ये हमने प्याज काट ली है। अब इसी तरीके से हम एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसको भी इसके अंदर हम काटेंगे। इसको भी काफी बारीक करके ही काटिए। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं अदरक के टुकड़े को, क्योंकि मुझे अदरक की छोटी छोटी बाइट्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे डाल रही हूं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपनी हरी मिर्च। जो हमने बहुत बारीक काटी थी और कुछ मसाले। गरम मसाला। रेड चिली पाउडर। मैं इसमें थोड़ा सा जीरा भी डालूंगी, साबुत जीरा। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। नमक हमें इस तरीके से रखना है कि हमें ग्रेवी और कोफ्ते की जो पकौड़ियां बनेंगी इन दोनों को मिला के इक्वल होना चाहिए कि हमारा टेस्ट सही बैठे। तो आप दोनों में ही मीडियम थोड़ा थोड़ा करके डालिए, हाफ हाफ। तो ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है और अब इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती, और मैं डालूंगी इसमें अपना बेसन। जो हमने बेसन लिया है, इसे पकौड़ी की तरह बनाने के लिए हमें बेसन की जरूरत है, तो मैं 2 से 3 चम्मच मैंने अभी बेसन डाला है। इसे मिक्स कर लेते हैं, हाथ से ही मिक्स करेंगे। इसमें आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ग्रेवी के लिए ही पड़ेगी, बस इसे बांधने के लिए आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो केले हैं उनमें ऑलरेडी थोड़ा सा लिक्विड होता है, जिससे कि ये बेसन और ये सारा मसाला इजीली बन जाएगा।
इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे कि मिर्च मसाले सब इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये हमारे कोफ्ते की पिट्ठी बिल्कुल तैयार है। चलिए रखते हैं कढ़ाई, उसमें गरम करेंगे अपना ऑयल जिसमें कि हम ये पकौड़ियां यानी कि अपने कोफ्ते तलेंगे। करके अपनी कढ़ाई रखेंगे जिसमें हमें ऑयल गरम करना है। हम इसमें डालेंगे ऑयल जिससे कि हमारे कोफ्ते तल जाएं बहुत अच्छे से। तो उसके लिए हमें ज्यादा ऑयल की जरूरत पड़ेगी जैसे पकौड़ियों में पड़ती है। आपको लगे कि आपका तेल गर्म हो चुका है, आप ऐसे हाथ रख के भी देख सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा एक इसमें पीस डालेंगे तो वो ऊपर की साइड आने लगेगा, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये हमारा तेल हो चुका है। तो इस तरीके से डाल के भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें छोटी छोटी सी गोलियां टाइप में पकौड़ियां बनाती हूँ और वो इसके अंदर डाल के हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो कोफ्तों के लिए मैं छोटे पीस के कोफ्ते बनाऊंगी, ज्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी। तो ये इस तरीके के मैंने छोटे साइज के ही बनाए हैं, ज्यादा बड़े कोफ्ते नहीं बनाए हैं। तो ये हमने कोफ्ते अपने इसके अंदर सारे बना के डाल दिए हैं। आप इसे धीरे धीरे हिलाइए जिससे कि कोफ्ते पलट जाएं और ये दोनों साइडों से अच्छे से पक जाएं। हमें इन्हें लाइट ब्राउन करने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो गैस थोड़ी मंदी यानी कि डिम रख कर लीजिए जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो हम गैस बिल्कुल मंदी करके पका रहे हैं। ये हमारे ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे कोफ्तों का कलर चेंज हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और ये अपने कोफ्ते सारे बाहर निकालूंगी। तो इनका ऑयल अच्छे से इसमें ही निचोड़ लीजिए। तो मैंने फिर से एक बार गैस ऑन करके अपनी कढ़ाई रख ली है और इसमें से मैंने बिल्कुल तेल कम कर दिया। आप ये देख सकते हैं सिर्फ एक चम्मच के करीब मैंने इसमें तेल छोड़ा है। तो अब मुझे तेल थोड़ा सा ऑलरेडी गर्म है ही और थोड़ा सा और मैं कर लेती हूँ और उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो चीजें हमें पीसनी है। जी हाँ, जो मैंने साबुत प्याज और साबुत अदरक लहसुन लिए हैं उन्हें मैं थोड़ा सा फ्राई करके पीसना चाहती हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा तेल गर्म करके और इन चीजों को मैं इसके अंदर फ्राई करूंगी। साथ में जो खड़े मसाले थे वो भी मैं यहीं पे ही डालूंगी क्योंकि मैं अगर बाद में डालूंगी तो वो टेस्ट खराब कर देता है मुंह में आके, इसलिए मैं उन चीजों को यहीं पे ही यूज करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, मैं थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ। काली मिर्च और जो मैंने इलायची वगैरह ली थी ये सब चीज नहीं डालूंगी। दालचीनी और कुछ चीजें मैं यहाँ यूज नहीं करूंगी जैसे तेज पत्ता है। लाल मिर्च यूज करेंगे यहाँ पे हम, जो हमने सूखी लाल मिर्च ली थी उनमें से दो मिर्चों को मैं तोड़ के यहीं पे डालूंगी इसमें। अब अपने प्याज, अदरक, लहसुन, इन सभी चीजों को मुझे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है क्योंकि मैं इन्हें पीसूंगी इसलिए मुझे इन्हें फ्राई करना था। तो ये सारे मसाले प्याज अदरक लहसुन का मुझे लाइट ब्राउन करने तक, जैसे कि अच्छे से किस का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहे तो लाइट ब्राउन करने तक इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये हमारी प्याज सारी चीजें अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इन्होंने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। तो हम अपनी गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इन्हें निकालेंगे मिक्सी के जार में और एकदम बारीक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इसका कर लेते हैं अपना पेस्ट तैयार। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं अपने कोफ्ता करी बनाना। तो उसके लिए हमने सारा प्रोसेस तो तैयार कर दिया है, प्याज पीस लिया है, कोफ्ते तैयार हैं। अब हमने वही कढ़ाई जिसमें मैंने प्याज वगैरह भुनी थी उसी कढ़ाई में दो चमचे तेल डाल दी है। बाद इसमें डालेंगे हम जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ते और दालचीनी का टुकड़ा। ये गरम मसाले मैंने यहाँ पे डाले हैं। गैस की फ्लेम हम थोड़ी कम ही रखते हैं। अब मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ इसमें ही स्टार्टिंग में अपनी मिर्च, उसके बाद डालेंगे हम प्याज का पेस्ट,
तो सॉरी मैंने आपको दिखाया नहीं, जो मैंने प्याज पीसी थी वो मैंने प्याज पीस के इस तरीके का एक पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपनी लाल कश्मीरी मिर्च एक बड़ी चम्मच, क्योंकि हमने लाल मिर्च जो है सूखी उसमें मसाले में प्याज के साथ भी भुननी है, लाल हरी मिर्च हमने कोफ्ते में डाली है, तो इसलिए आप इसमें तेज मिर्च बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, कश्मीरी मिर्च यूज करेंगे जिससे कि कलर भी अच्छा है और मिर्च भी नहीं लगे। हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच के करीब। अब मैं बाकी मसाले बाद में डालूंगी, फिलहाल मैं इन्हें मिक्स करके और इसमें डाल देते हैं अब हम प्याज, जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया है। ये जो पेस्ट है सिर्फ मैंने प्याज का ही बनाया है, क्योंकि हमने टमाटर की प्योरी अलग बना रखी है, और टमाटर की प्योरी आप अलग ही रखिएगा, इसमें साथ में मत कीजिए, क्योंकि अलग रखने से उसका कलर भी और टेस्ट भी दोनों ही बहुत ही अच्छे आएंगे। तो ये हमने प्याज इसमें डाल दी है, प्याज को हमें नहीं लगता कि ज्यादा भूनने की जरूरत है, प्याज को हमने पहले भुना हुआ है और भून के ही पीसा है, तो इसमें थोड़ा सा ही भुनेंगे बस एक दो सेकेंड। जो कच्चे केले के कोफ्ते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, वैसे तो कोफ्ते सभी बहुत अच्छे होते हैं, मुझे लौकी के भी पसंद है, मलाई कोफ्ता तो सबसे ही बेस्ट होते हैं, अरबी के भी कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे केले के कोफ्ते। और यहाँ पर मेरे दो मसाले रहे हैं, मैं उन्हें भी डाल देती हूँ, हींग डाल देती हूँ जो मैंने हींग ली थी, और बहुत ही थोड़ा सा डालूंगी मैं गर्म मसाला, क्योंकि प्याज में ऑलरेडी मैंने काली मिर्च वगैरह पीस रखी है, तो आप गर्म मसाला अवॉइड भी कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा यूज कीजिए, इससे ज्यादा यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने गर्म मसाले पीसे हैं। अपना धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच, ये हमारे मसाले हो गए पूरे, अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, ये हमारी फ्राई हो गई, क्योंकि इसमें ऑयल दिख रहा है आपको, साइड में ऑयल छोड़ने लगी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर, जो हमारे टमाटर की प्योरी लिए हमने बनाई है, इसे डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटो की प्योरी डालने के बाद हमें इसे कम से कम 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाना है, जिससे कि ये टमाटर बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, ये ऑयल नहीं छोड़ने लगता जब तक कि, जैसे कि पहले प्याज के साथ हो रहा था, इसी तरीके से थोड़ा सा इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, ये टमाटर भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे और ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाते हैं। ये लीजिए, तो ये हमारा मसाला तो हो गया है बिल्कुल तैयार, अच्छे से पक गया है पूरा मसाला। अब हमें इसमें चाहिए थोड़ी सी ग्रेवी, तो ग्रेवी के लिए हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम इसमें ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कितनी, मैंने 1 से 1.5 ग्लास पानी डालूंगी इसके अंदर, जिससे कि ग्रेवी ज्यादा पतली नहीं हो, और ये 1/2 ग्लास। इससे क्या है कि पानी में जब हम लास्ट में कोफ्ते डालेंगे तो थोड़ा सा पानी, यानी कि इसकी ग्रेवी वो कोफ्ते भी पियेंगे, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखिएगा पानी को, हमें ग्रेवी के अकॉर्डिंग रखना है। लेकिन कोफ्ते में भी नमक है, तो ये मैंने 1/2 छोटी चम्मच के करीब इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि आप ज्यादा नहीं डालिए, कोफ्तों के अंदर है, तो ध्यान रखिए कि दोनों में ऐसा नहीं हो कि हम डाल दें वो ज्यादा हो जाए। तो हम चलिए इसे ढकेंगे, कवर करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से इसमें बॉईल आ चुका है, मैंने काफी देर इसको पका लिया है, तो इतनी ग्रेवी हम रहने देते हैं जिससे कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो सोखेंगे पानी को, तो उसके बाद भी इसमें ग्रेवी रह जाएगी। मुझे ज्यादा पतली ग्रेवी भी नहीं चाहिए, जिससे कि वो थोड़ी पतली होती है तो पानी की तरह लगे, इसलिए थोड़ा सा हम गाढ़ा ही करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसमें डाल दूंगी अपने कोफ्ते, क्योंकि ये एंड टाइम है, तो इसमें मैंने जो ये कोफ्ते बनाए हैं अपने कच्चे केले के, सारे कोफ्तों को इसके अंदर डाल देती हूँ, और साथ में ही हम यहाँ पे डाल देंगे अपनी धनिया पत्ती, थोड़ी सी रख लेंगे हम गार्निशिंग के लिए। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे,
सर्व करने से पहले इसे हम 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि ये थोड़े कोफ्ते सॉफ्ट हो जाएं, वो इस पानी को अच्छे से पी ले। तो ये लीजिए, मेरे कच्चे केले के कोफ्ते बिल्कुल तैयार है। हम गैस की फ्लेम बंद करते हैं और करके दिखाएंगे आपको इसकी प्लेटिंग। लीजिए फ्रेंड्स, तो ये हमारे कच्चे केले के कोफ्ते बनके तैयार हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। और फीडबैक करके आप मुझे जरूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।